इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो आधिपत नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में जो बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखते हैं ये सब्जेक्ट किन किन ब्रांच वाले स्टूडेंट को पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट कॉमन है सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखेंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस में क्या क्या बताया गया है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट के अंदर फोर्स सिस्टम पढ़ना है। इस फोर्स सिस्टम में यूनिवर्सिटी एग्जाम में छोटे छोटे डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं। इस फोर्स सिस्टम में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, लॉग पॉइंट एंड एक्सिस। फोर्स का मोमेंट देखेंगे किसी पॉइंट के थ्रू एंड किसी एक्सेस के थ्रू। और उसके बाद इसमें है इक्विवेलेंट फोर्स एंड मोमेंट और बेंच। ये फोर्स सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसे छोटे छोटे डिफिनेशन आता है। सेकेंड टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे एफबीडी, थ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम इन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन, प्लेन फ्रेम एंड ट्रसेस। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। और तीसरा टॉपिक है फ्रिक्शन, जिसमें देखेंगे हम लोग लॉ ऑफ कूलॉम्बियन फ्रिक्शन। उसके बाद है इम्पेंडिंग मोशन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लार्ज एंड अ स्मॉल कॉन्टैक्ट सरफेस। और उसके बाद देखेंगे स्पार्क फ्रैगमेंट, स्पार्क फ्रैगमेंट ऑफ अ स्क्रू। और उसके बाद देखेंगे POVW, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल बर्थ एंड स्टेबिलिटी। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसमें थ्री स्टार लगा लेते हैं। और चौथे टॉपिक है डायनेमिक। डायनेमिक में हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक एंड काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, डायनेमिक इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड इन टर्म ऑफ पाथ वेरिएबल। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, वाला स्टार्ट पर लगा लेते हैं। और नेक्स्ट जो सिलेबस में बताया गया है फाइव नंबर पे, वो है प्रॉपर्टी ऑफ एरिया। प्रॉपर्टी ऑफ एरिया में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सीएम,
मोमेंट ऑफ इनर्सिया, काइनेमेटिक ऑफ रिजिड बॉडी, चॉम्स्की थ्योरम, कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट प्लेन ऑफ रेफरेंस, जनरल प्लेन मोशन और यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो फिफ्थ नंबर पे जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो ब्रांच के लिए, मैकेनिकल एंड सिविल। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी आगे के सेमेस्टर में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले सिविल वाला ही पढ़ेंगे। उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जितनी लेकर और नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी, इंपल्स एंड मोमेंटम मेथड फॉर पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। तो इतना ही सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है, और जो ये लेक्चर डिजाइन किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को अभी मनाया जाएगा। और ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, मैकेनिकल और सिविल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लिए हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नेक्स्ट जो सिलेबस में बताया गया है आज नंबर पे, वो है प्रॉपर्टी ऑफ एरिया। प्रॉपर्टी ऑफ एरिया में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास सीएम, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, काइनेमेटिक ऑफ रिजिड बॉडी, चॉम्स्की थ्योरम, कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट प्लेन ऑफ रेफरेंस, जनरल प्लेन मोशन और यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो फिफ्थ नंबर पे
जो टॉपिक है यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दो ब्रांच के लिए, मैकेनिकल एंड सिविल। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी आगे के सेमेस्टर में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले सिविल वाला ही पढ़ेंगे। उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जितनी लेकर और नेक्स्ट टॉपिक है बल्क एंड एनर्जी, इम्पल्स एंड मोमेंटम मेथड फॉर पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। तो इतना ही सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है, और जो ये लेक्चर डिजाइन किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को अभी मनाया जाएगा। अभी जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है मैकेनिकल और सिविल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लिए हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।